ढक्कन उल्टा करके करते हैं ना शॉर्ट। अरे नहीं, अगर सिनेमा हॉल मेरे पापा का होता। मैं बहुत बार सोचती हूँ कि ब्लॉग बनाऊं, बट अब मेरा ना मन मर सा गया है यार। फोन उठाती हूँ बट मेरे को ब्लॉग करने का दिल नहीं करता है, पता नहीं क्यों। अंदर से बिल्कुल मेरा मन करता है कि आप लोगों को हंसाऊं, ब्लॉग करूं, कुछ अच्छी बातें करूं आप लोगों से, बट अंदर से ना मैं बिल्कुल भर सी गई हूँ। तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या, जब खुद ही खुश नहीं हूँ तो आप लोगों को क्या हंसाऊं मैं। तो यही है कि मैं कल से फीवर में थी, बताती हूँ आगे क्या हुआ है मेरे साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस एब्सोल्युटली गुल। होप यू गाइस एब्सोल्युटली गुड। तो कुछ भी हो लेकिन वेलकम जो होता है वो तो हंस के ही करना होता है। तो इसलिए मैं बहुत ही अंदर से कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुश रहूँ इस ब्लॉग में, बट फेस पे तो आपको दिख ही जाएगा कि मेरी आईज में भी दिख रहा है। मैं कल से फीवर में थी, एक तो इस हैंड्स पे मुझे इंजेक्शन लगा उसकी वजह से ये बहुत पेन हो रहा है, और दूसरे हैंड्स पे चोट लगा हुआ है। तो दोनों ही हैंड मेरा डैमेज है, इस वजह से मैंने कल ब्लॉगिंग ही नहीं की। तो फिर आज मैंने सोचा कि आज तो कर ही लेती हूँ यार, जितना भी होगा मेरे से, नहीं तो बहुत सारा गैप हो जाता है, फिर मैं बिल्कुल ही छोड़ देती हूँ और फिर ऐसे ही हो जाता है। तो इस वजह से कल नितेश ने खाना वाना सब बनाया, अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। आज तो मैंने ही बनाया, चलो दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया। आज खाने में है ये गोभी आलू की सब्जी, रोटी और ये शेजवान की चटनी है। ये तो मैं जरूर ही लेती हूँ खाने में, मुझे बहुत पसंद है। देखो मुझे खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है, बट खाना बना अच्छा लेती हूँ मैं। रोटी अच्छी नहीं बना पाती हूँ मैं यार। खाना देख के बिल्कुल भी मुंह में पानी मत लाना, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। बस सब्जी का शक्ल देख लो, अच्छा सा लग रहा है ना, मैं बहुत अच्छी कुक हूँ। अच्छा यार, टेस्टी है। आपके घर में भी बनता होगा ना, मम्मी बनाती होगी। मुझे तो खुद ही बनाना पड़ता है, सब कुछ सारा काम करना पड़ता है। आपको भी चाहिए? ऋषु वहां से बोल रही है, दे दो, ले लो। हाय करो, हाय। ओह माय गॉड, ऋषु बाबा बैग के बाद अब अटक क्यों जाते हो? ब्लैक शिप। त्रिशु आई है नीनी करने के लिए, तो अब मम्मा और त्रिशु करेंगे थोड़ी देर नीनी, उसके बाद क्या करेंगे त्रिशु? और उसके बाद हमें जाना है कहीं। A few moments later. रात के बज गए 9:30 और मैं और नितेश और प्रिशा हम लोग जा रहे हैं बाहर घर का कुछ सामान लाने के लिए। वैसे तो नितेश बहुत ही लेट आते हैं रात को, बट आज मैंने बोला कि जल्दी आना तो जल्दी आ गए हैं। तो चलो प्रिशु, वैसे हमेशा सारी जिम्मेवारी मैं ही निभाती हूँ, कभी तो कुछ निभा ले ये भी, है ना? कुछ बोलना चाहोगे? Yeah! प्रिशु is so excited. कहाँ जा रही है? यहाँ किसी की स्कूटी खड़ी है तो मैंने इसी पे पैर रख के प्रिशु कैसे बिठा लिया। प्रिशु ये स्कूटी मम्मा का होता तो बैठा के आपको लेके जाती, बट मम्मा को स्कूटी चलाना ही नहीं आता है। तो यार ये डॉगी किसी का ऊपर से ऐसे भौंक रहा है तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं मुझे काट ना ले, क्योंकि मुझे डॉगी से बिल्कुल प्यार नहीं है। मतलब प्यार तो है लेकिन मुझे ऐसे डर भी लगता है, दूर दूर से प्यार है मुझे। इतना डर रही है तुम तो, और मुझे भी काम करो, अंदर पहुंचा दो। इतना डर डर के कौन ब्लॉगिंग करता भाई? यार डर लगता है, हाथ में फोन है इतना महंगा, कोई छीन के भाग जाए तो मेरा तो यहीं पे हार्ट अटैक आ जाएगा। और देख तुम्हारे जाने से पहले पहले सब्जी वाले सारे चले गए। ऐसा क्यों? मेरे लिए वेट करेंगे सब। भैया इतनी तेज चिल्ला रहे हैं, मैं तो 4 बारी ब्लॉगिंग करके खांसती हूँ, 5 बारी। दिखा दो भैया कैसा कर। देखो भैया ये रहे, बिल्कुल नॉर्मल से बंदे हैं ये, मत सोचना इतने लंबे चौड़े इंसान है, फिर भी चीखते ऐसे हैं। क्या ले रही हो? सही सा देखते हैं आपको। कर दूं क्या? कितने रुपए का होगा? 30 का कर दूं क्या? 40 रुपए किलो है, कर दो। भैया ब्रोकली कैसे है? 20 की आधा किलो, 1 किलो 50। A few moments later. क्या हुआ? रुक गई है, शर्म क्यों आ रहा है? ऋषु मैं आपके लिए और आपके डैडी के लिए सरप्राइज लेके आ रही हूँ। क्या है सरप्राइज में भाई? ये। अरे अच्छा 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 अच्छा, समझ गया समझ गया। सरप्राइज तो तुमने देख लिया, फिर सरप्राइज तो घर में कोई सरप्राइज नहीं होता। कैसे आंख कैसे बंद करो? अच्छा मैंने आंख बंद कर रखा है, पता नहीं तेरे पहले ना मैं ये देख के ना वो होता था, मुझे डर सा लगता था कि ये मेरे मुंह पे ना आ जाए। ऐसे करते ऐसे, मैंने कभी बनाया नहीं, बताओ। घी लगा के ढक बंद कर दो, घी ढक दो, ढक दो, पड़ 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 करके निकल जाएगा ढक्कन उल्टा।
उल्टा करके करते हैं ना शो। अरे नहीं, अगर सिनेमा हॉल मेरे पापा का होता। क्या मम्मा का वीडियो देख रहे हो? हाय हाय, मम्मा का डैडा का व्लॉग देख रही हो? कोई देखे या ना देखे, मम्मी डैडी और पिचू का व्लॉग, पिचू डायरेक्ट खुद लाइव देखती रहती है और इसमें परफॉर्म भी करती है और देखती भी है। अभी तू भाग गई शर्मा के। कोई किस्सा बताओ तुम्हारे स्कूल का, कुछ बताती हूँ। कब बताती हो ये? बताते बोल के कितना बताती, इतने सारे बताती बताती। स्कूल आते ना, मैं स्कूल तो कभी गई नहीं। स्कूल नहीं गई? हाँ। गौर से सुनो, ये क्या कह रही है? मैं 10वीं फेल, स्कूल कब चली गई। अच्छा जी, अभी सिविल का प्रिपरेशन कौन कर रहा था भाई? स्कूल में मैं स्टोरी टेलिंग के लिए नहीं गई थी, स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी। तुम लोग गए थे पता है? एक टाइम की बात है, जब हमारी शादी हुई थी ना। नहीं नहीं, तो मैं बताती हूँ। तो नितेश ना मेरे को ऐसे इम्प्रेस करने के लिए बताते थे कि जब हम लोग यंग थे और स्कूल में टेंथ में थे, तो स्कूल में ना मतलब वो वाले छोटे वाले यंग, नहीं नहीं जवानी जो होती है, कम सीन जवानी। अच्छा जी, बाल झड़े तुम्हारे वजह से। तो सुनो मेरी स्टोरी को तुम ऐसे खराब कर रहे हो। आप भी सुनो। इधर आओ। जब आपके डैडी ना छोटे थे, मतलब टेंथ का पेपर दे के आए थे, तो उस टाइम पे ना ये स्कूल जाते थे और स्कूल को बंक मारते रहते थे हमेशा। और बंक मार के कौन सी मूवी देखने जाते थे? मैं जवान थोड़ी था, मैं तो स्कूल बंक करके गया था। मैं स्कूल बंक कर गया? हाँ, तो जवान नहीं तो क्या, बच्चे छोटे और क्या थे? अब मैं कौन सी क्लास में था मेरे अंदाज़ बट मैं बहुत ही शरीफ बच्ची थी, स्कूल से डायरेक्ट घर जाती थी। और स्कूल मैंने आज तक बंक ही नहीं किया है। अजय देवगन बना दिए तुम्हारी मम्मी ने। अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। रात के 11:30 बज रहे हैं और अभी मैं बना रही हूँ खाना। तो इधर दाल चढ़ाया है, इधर चावल चढ़ाया है और हम लोग रात को ही चावल खाते हैं, बिकॉज दिन में नितेश बहुत जल्दी चले जाते हैं ड्यूटी, तो टाइम ही नहीं मिल पाता है चावल खाने का। और चावल तो मेरा बहुत ही फेवरेट है, वो मेरा आकार देख के आपको पता चलता ही होगा। क्यों बताओ? नितेश तो मेरे से गुस्सा है और वो बता नहीं रहे, और आपका पता है एक हफ्ते से गुस्सा है मेरे। बोला था ना पहले कि मेरा जो ये हेयर कट है ये खुलते ही कुत्ते जैसे हो जाएगा, तो देखो अभी तक तो मैंने हेयर वॉश किया भी नहीं है, अभी से कुत्ते जैसे दिखने लग गया है। पिशा को सुला दिया है, रात के भी 2 बज गए हैं, 2 नहीं बजे हैं मतलब 1:30 बजे है। और अभी जा रही हूँ मैं वीडियो एडिटिंग करने के लिए, नितेश गए नीचे बाइक में लॉक वगैरह कुछ लगाने के लिए। सो दैट्स इट इन दिस ब्लॉग, सी यू इन नेक्स्ट वन। ब्लॉग को यहाँ तक देखा हो तो लाइक ज़रूर कर ले, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।